एक ही इनिंग्स में हाफ सेंचुरी और 5 विकेट हॉल, 5,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन और 50 फील्डिंग डिसमिसल्स, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ये स्टैट्स अलग अलग प्लेयर की नहीं है, बल्कि उसे एक प्लेयर के स्टैट्स हैं जिसकी परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया शायद कभी 2007 और 2011 का वर्ल्ड कप जीत ही नहीं पाती, जिसने अपने देश को जिताने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, जिसने लाखों करोड़ों फैंस का दिल कई बार जीता, और एक ऐसा टैलेंटेड खिलाड़ी जो शायद इंडियन टीम को कभी वापस ना मिल पाए, द वन एंड ओनली युवराज सिंह, द अंडररेटेड लेजेंड। इंडिया के लिए अंडर 19 टीम में बेहतरीन परफॉर्मेंस देखकर युवराज सिंह को साल 2000 की आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी यानी चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला। उनका डेब्यू गेम केन्या के अगेंस्ट था, जिसमें उन्होंने बैटिंग नहीं करी, मगर सेकंड मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट युवराज सिंह ने बता दिया कि वो आगे चल के काफी इंडियंस का दिल जीतने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच क्वालिफायर मैच था, वेयर युवराज सिंह स्कोर्ड एन अमेजिंग इनिंग ऑफ 84 रन्स इन जस्ट 80 बॉल्स, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला था, और उनकी इस परफॉर्मेंस ने ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट के बाहर का रास्ता दिखाया था। हालांकि इस टूर्नामेंट में इंडिया फाइनल्स तक गई, लेकिन उन्हें उधर न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा, और उस वक्त के बाद से यूवी ने कई अच्छी इनिंग्स खेली टीम के लिए, चाहे वो 2001 के कोका कोला सीरीज के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 98 नॉट आउट की इनिंग्स हो, या फिर नैटवेस्ट सीरीज के फाइनल में मोहम्मद कैफ के साथ वो इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप। युवराज सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही बड़े मैचेस में परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था, और उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से ही इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट्स में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। हालांकि उस वक्त के बाद कुछ टूर्नामेंट्स युवराज सिंह के लिए ज्यादा खास नहीं गए, जैसे 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2003 का ओडीआई वर्ल्ड कप, जिसमें उन्होंने काफी बिलो एवरेज परफॉर्म किया था, बट वे स्टिल बायलैटरल सीरीज में परफॉर्म कर रहे थे। और फिर आया साल 2005, जब यंग युवराज के करियर को अलग राह मिली। युवराज वॉज द लीडिंग रन स्कोरर फॉर इंडिया इन द 2005 इंडियन ऑयल कप ट्रायंगुलर सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज। उन्होंने 4 मैचेस में 192 रन स्कोर करे थे विद एन एवरेज ऑफ 48, एंड ही स्कोर्ड हिज थर्ड ओडीआई सेंचुरी इन दैट सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एट कोलंबो, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला था। देन युवराज सिंह को 2005-2006 के पाकिस्तान टूर के लिए भी सिलेक्ट किया गया था, और उस टेस्ट सीरीज में भी युवराज ने अपनी ओडीआई जैसी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। 2007 तक युवराज सिंह इंडियन क्रिकेट में काफी बड़ा नाम बन चुके थे बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन बोथ बायलैटरल सीरीज एंड आईसीसी टूर्नामेंट्स। इसका नतीजा ये हुआ कि 2007 के T20 वर्ल्ड कप में उन्हें एज अ वाइस कैप्टन चुना गया, विद एमएस धोनी बीइंग कैप्टन, एंड एज अ रिजल्ट उन्होंने इस टूर्नामेंट में एक्सीलेंट परफॉर्म किया। फिर चाहे वो 6 सिक्सेस हो अगेंस्ट स्टुअर्ट ब्रॉड इन ग्रुप स्टेज, या फिर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ 70 रन की वो मैच विनिंग इनिंग्स, यूवी ने उस वर्ल्ड कप में सबको हक्का बक्का कर दिया था, एंड फाइनल मैच में पाकिस्तान को हरा के इंडिया वो वर्ल्ड कप जीत गया था। मोस्ट ऑफ द फैंस उस वर्ल्ड कप का हीरो गौतम गंभीर को बताते हैं फॉर हिज इनिंग्स ऑफ 75 रन इन द फाइनल मैच, और वहीं कुछ लोग एमएस धोनी को रीजन बताते हैं फॉर दिस विन बिकॉज ऑफ हिज कैप्टेंसी। बट ये कहना गलत नहीं होगा कि उस वर्ल्ड कप का मैक्सिमम क्रेडिट युवराज सिंह को जाना चाहिए। इवन रिसेंटली गौतम गंभीर ने भी यही सेम चीज कही कि अगर किसी प्लेयर ने 2007-2011 के वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो वो है युवराज सिंह। शायद 2 वर्ल्ड कप अगर किसी ने जिताए हो वो युवराज सिंह थे। मुझे लगता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई हुए हैं तो वो युवराज सिंह। एंड एज एन इंडियन क्रिकेट फैन हम आज भी उस वर्ल्ड कप के बहुत मोमेंट्स को याद करते हैं, ऑल थैंक्स टू युवराज सिंह। देन साल 2008 में उन्हें एमएस धोनी के साथ टीम की परमानेंट वाइस कैप्टनसी थमा दी गई। एक तरफ जहां सीनियर प्लेयर्स जैसे सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले अपनी रिटायरमेंट ले रहे थे, वहां पे प्लेयर्स लाइक युवराज सिंह, एमएस धोनी, सुरेश रैना एंड गौतम गंभीर टीम को संभाल रहे थे। 2007 से लेकर 2011 तक युवराज सिंह अपनी प्राइम फॉर्म में थे। उन्होंने उस टाइम पीरियड में ओडीआई में 3,700 से ज्यादा रन और 76 विकेट्स लिए थे, जबकि उस सेम पीरियड के दौरान सचिन तेंदुलकर ने 3,500 से ज्यादा रन बनाए थे और मुरलीधरन ने 96 विकेट लिए थे। वेल दिस इज नॉट फॉर कंपैरिजन बिटवीन देम, बट देखा जाए तो ही वाज कंपीटिंग विद 2 लेजेंड्स एट द सेम टाइम, दैट्स माइंड ब्लोइंग। फिर आया 2011 का वर्ल्ड कप, और हम इस वर्ल्ड कप को युवराज सिंह का वर्ल्ड कप भी कह सकते हैं, क्योंकि कैंसर से लड़ रहे युवराज सिंह ने उस वर्ल्ड कप में बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कमाल करके दिखाया था। हेयर आर सम अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय यूवी इन 2011 वर्ल्ड कप। 5 विकेट हॉल वर्सेस आयरलैंड, हाफ सेंचुरी वर्सेस आयरलैंड एंड नीदरलैंड,
सेंचुरी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, इंपॉर्टेंट हाफ सेंचुरी इन क्वार्टर फाइनल्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड द फेमस मैच विनिंग पार्टनरशिप विद एमएस धोनी इन द फाइनल मैच अगेंस्ट श्रीलंका। क्वार्टर फाइनल्स में युवराज ने 50 स्कोर करके न केवल ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को टूर्नामेंट के बाहर किया था, बल्कि उन्होंने दुनिया को ये भी बता दिया था कि कैंसर जैसी बीमारी उन्हें टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतने के लिए नहीं रोक सकती। युवराज सिंह के कॉन्ट्रीब्यूशन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि उन्होंने उस वर्ल्ड कप में एबीडी विलियर्स से ज्यादा रन स्कोर करे थे और साथ में डेल स्टेन से ज्यादा विकेट भी लिए थे। बाद में जाके वो उस वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने थे, जो कि काफी कम लोग अब तक कर पाए। After 25 years and almost 17 years of international cricket on and off, I have decided to move on. हालांकि उस वर्ल्ड कप के बाद उन्हें कैंसर की वजह से अमेरिका जाना पड़ा और फिर उस वक्त से उनकी टीम इंडिया में वापसी काफी मुश्किल से हुई है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान से हार के बाद यूवी ने इंटरनेशनल करियर से रिटायरमेंट लेने का फैसला लिया था। हालांकि उन्होंने उसके बाद आईपीएल और रोड सेफ्टी जैसी सीरीज भी खेली और उधर भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से टीम को जिताया। ब्रेवनेस और अप्स एंड डाउन से भरे हुए युवराज सिंह का करियर भले ही छोटा हो, मगर उनसे ज्यादा इम्पैक्टफुल करियर शायद ही किसी का हो। थैंक यू यूवी पाजी फॉर मेकिंग इंडिया विन दोज वर्ल्ड कप्स विद योर अमेजिंग performance and taking Indian cricket to the next level. Thanks for watching, everyone.